आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च को होने वाली है। सभी टीमें आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेलने को लेकर काफी उत्साहित है। सीएसके भी आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेलने को लेकर काफी एक्साइटेड है, लेकिन इस बार आईपीएल या यूं कहें कि सीएसके में एक ऐसा दिग्गज खिलाड़ी है जो खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, और वो खिलाड़ी कौन है ये हम सभी जानते हैं। जी हाँ, सीएसके का वो दिग्गज खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर आईपीएल है, और ये खिलाड़ी है सुरेश रैना, जिनको मिस्टर आईपीएल के नाम से जानते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं आपको कि आज हम इस दिग्गज खिलाड़ी या मिस्टर आईपीएल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल आज हम सुरेश रैना की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये चेहरा भले ही आईपीएल 2022 में खेलता हुआ ना दिखे, लेकिन वो खिलाड़ी स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं उस खिलाड़ी के बारे में। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना है। आईपीएल 2022 के लिए बेगा ऑक्शन में सुरेश रैना को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। सुरेश रैना के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद फैंस काफी मायूस हो गए, लेकिन अब निराश होने की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के तहत स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सुरेश रैना के अलावा इस लिस्ट में रियल मैड्रिड के पूर्व खिलाड़ी रॉबर्टो कार्लोस, जमैका के धावक असाफा पावेल, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर सनत जयसूर्या और डच फुटबॉल के दिग्गज एडगर डेविड्स सहित 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया था। सुरेश रैना को बांग्लादेश के खेल मंत्री मोहम्मद जहीर एहसान रसेल के उपस्थिति में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में सुरेश रैना भले ही आपको खेलते नहीं दिखाई दें, लेकिन आईपीएल में उनका शानदार सफर रहा है। सुरेश रैना की आईपीएल करियर की बात करें तो सुरेश रैना ने आईपीएल के 205 मैच में 5,528 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 39 अर्धशतक निकले हैं। वेल, आपका क्या कहना है सुरेश रैना को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।